दबंगों ने विधवा को बेटी सहित पीटा। संभल में मामला थाना नखासा क्षेत्र का है, जहां एक विधवा ने थाना प्रभारी निरीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रार्थनी विधवा और गरीब महिला है और वह गांव फतेहपुर की रहने वाली है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पूर्व में उसके पति को गांव के ही दबंग जीशान अली शेर, पुत्रगण मोहम्मद नबी मुस्तफा पुत्र मोहम्मद उमर निवासीगण फतेहपुर ने पति को जहर देकर मार दिया। प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त दबंगों ने दबाव में आकर फैसला कर लिया। बाद में दबंगों ने पीड़ित की 10 बीघा जमीन 90,000 में गिरवी रख ली, लेकिन पैसे नहीं दिए। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने तगादा किया तो उक्त दबंगों ने उसके घर को घेर लिया और पीड़िता को गंदी गंदी गालियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई पीड़िता की बेटी को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और मारपीट भी की। पीड़िता ने थाना प्रभारी से दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। हालांकि पीड़िता ने रोते गिड़गिड़ाते अपनी आपबीती बताते हुए थाना नखासा के SI सूरजपाल पर भी 30,000 लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं लगातार पीड़िता थाने के चक्कर काटती हुई परेशान हो चुकी है। क्या नाम आपका? अजी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? अजी, क्या मामला है, आपको बार बार चक्कर काट रही हैं? मामला ये कुछ नहीं है, वो हमारा घर भी आपसी मामला था, नाबालिग बच्चा में उससे ये लोग झगड़ा कराते, झगड़े के साथ साथ थोड़ा उस लड़के को इतना चढ़ा दिया कि वो मेरे पास लड़ाई झगड़े के साथ साथ मारपीट करने लगा। मारपीट करने के बाद ये आ गए, इन्होंने आकर उसके साथ में मुझसे मारपीट की। मेरी एक लड़की उसकी भी साथ इन्होंने मारते मारते उसे घर से बाहर खींचते खींचते उसके सर के बाल भी उखेड़ दिए और घर में का सामान पंखे वगैरह वो भी ले गए। जी सां और इसके भाई थे दो, वो तीनों भाइयों ने आन के इतनी बेइज्जती की हमारी और इतना कि घर से बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इतने ही इतना झगड़ा करने के बाद भी मैंने इनसे बहुत कहा कि मैं बेकसूर हूँ मान जो, ये जब भी नहीं माने, लेकिन ये झगड़ा करते रहे उसके साथ में मेरे लड़के के साथ में। फिर उसके बाद मैंने थाने आके कार्रवाई कर दी। थाने में आन के कार्रवाई करने के बाद इन्हें पता ना मुझे पुलिस ने इनके साथ क्या किया क्या नहीं, लेकिन मुझे वो दरोगा साहब सुरेशपाल सिंह नाम है उनका, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि तेरा हक मैं दिला दूंगा। मैंने कहा कि मुझे अपना हक चाहिए, लेकिन तुम कार्रवाई भी नहीं कर सकते, जेल भी नहीं भेज सकते, इन्हें डरा धमका भी नहीं सकते, तो मेरा हक मुझे दिला दो और जो ये मेरा बच्चा है इसका हक इसे दिला दो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, वो भी मेरा बेटा है, लेकिन ये भी बर्बाद हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तब इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, 14 तारीख की ये घटना, मैंने इनकी यहाँ एप्लीकेशन दी, मुझे बार बार बुलाते रहे। 30,000 रुपये इन्होंने मुझे घर में बिठवाने के लिए लिए और लेने के बाद कि मुझे ये दिलासा देते रहे कि मैं तुझे तेरा हक भी दिलाऊंगा, तुझे घर में भी बिठवाऊंगा, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई इन्होंने नहीं की। बार बार थाने बुलाते रहे, मैं घर से बाहर रही संभल, और ये बुलाते और मुझे ऐसे ही थोड़ी दिलासा दिलावे और भेज देवे, उन्हें बुलावे, उनसे भी ये कहते रहे कि हाँ कोई भी सुनवाई नहीं की। अब मुझे बार बार बुलाते हैं, मैंने कहा मुझ पर पैसे नहीं है, 30,000 रुपये मैंने दे दिए, लेकिन मैं कहाँ से पैसे लाए जाऊँ, मैं महिला हूँ, रान बेवा हूँ, मैं अपने बच्चों को पालू, मैं कहाँ तक इतने पैसे ला के थाने में ये कहीं बर्बाद कर जाऊँ। लेकिन मैंने कहा इंसाफ कर दो, जो भी है मुझे मेरे घर पर भिजवा दो, और कुछ नहीं कर सकते तो मेरा हक तो दिला सकते हो। कह रहे तेरा हक का तुमने ये कर दिया, बदकार है, ये है वो है, ऐसा करने के बाद मुझे बार बार थाने से भगा दिया गया। मैं बार बार जाती रही, लेकिन मेरी एक भी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई होने के बावजूद भी मैंने बड़े बहुत ही दिलासे उम्मीद करके मैंने कहा मैं बहुत बेकसूर हूँ, मेरा दिल दुखा हुआ है, अगर हो सकता है दरोगा साहब अगर मेरा दिल दुख जाए तो तुम पे भी मेरी ओपड़ है। तो कहने लगे मुझ पर क्या डलवागी, मैंने कह रही मैं किसी से क्या डलवाऊंगी, लेकिन खुदा तो है ना। कौन से गाँव की घटना, कौन से थाने की? फतेहपुर थाना नकासा। तब इन्होंने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की। अब क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कार्रवाई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो मेरा हक मुझे दिलाया जाए और वो लड़का या लड़की जो मुझसे खिलाफ इन लोगों ने कर दिए हैं, मुझसे खिलाफ नहीं थे लेकिन इन लोगों ने कर दिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हक मुझे दिला दो और उसका हक उसे दिला दो, अलायदगी में उसे रखने दो, वो अलायदा रहना चाहता है तो अलायदा रह ले, लेकिन मैं अपने दो बच्चे जो ये मेरे साथ में मैं इनकी तो परवरिश करूँ नहीं, उसे लिखने दिया नहीं पढ़ने दिया, उसे तरह तरह से शुरू से आज तक गलत फहमियों में डालते रहे, लेकिन उसे मुझसे नहीं मिलने दिया।
अब मैं चाहती हूँ कि ये नहीं मिलने दे रहे, लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, इसका पैसा खराब ना हो, तो इसका जो हक है इसे दिला दो, जो हक मेरा है मुझे दिला दो। इस पे भी वो तैयार नहीं। मैंने कहा, वो कह रहा है इस लड़की की शादी कौन करेगा। अब वो कहते हैं कि यहाँ सी आई ए कहीं इस लड़की की शादी ऐसा कर देगी, मैं ऐसा कर दी। मैंने कहा तुम इसका रिश्ता कर दो और ब्याह भी तुम कर दियो इसका, लेकिन मैं अपने हिस्से में से जो मेरी जायदाद मेरे पास है उसमें से मैं इसे आधा हक देने के लिए तैयार हूँ। इतने पे भी इन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। 30,000 रुपये मैंने इन्हें सुरेश पाल दरोगा जी को दे दिए, लेकिन मैं बार बार कहाँ तक इन्हें पैसे देती रहूँगी। 20,000 रात में दिए, 5,000 दोबारा दिए, 5,000 फिर दिए के बारे में, 30,000 रुपये मैंने इन्हें दिए।